और साफ़ रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरन क़लाम कुरान मजीद किसी बशर का कलाम नहीं है बल्कि खालिक आलम का कलाम है जो कि फसाहत और बलागत और एजाज इलमी में अपनी मिसाल आप है इस अदीम नज़ीर और फ़ीदालमिसाल कलाम के मुतालिक खुद अल्लाह ताला ने अल रबुल्जत ने मुनकरीन को चैलेंज दिया और इर्शाद फरमाया मैं कोर्ट करने जा रही हूँ फरमा दीजिए अगर तमाम इंसान और जन्ात इस बात पर जमा हो जाएं कि वो इस कुरान के मिसल कोई दूसरा कलाम बना लाएंगे तो भी वो इसके मिसाल नहीं ला सकते अगर वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाए, अल्लाह और नाजीन कराम ये तालीम हमें कुरान पाक की तफसीर पढ़ने से समझ आती है सही है बिल्कुल जी और इसलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे हक की और आज हम समाज फरमाएंगे दस तफसीर नाजरी ने आज के प्रोग्राम से मुझे और निमरा को इजाजत दीजिएगा हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा पाकिस्तान को फलसतीन के मुसलमानों को पूरी मुस्लिम उम्मत को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा इन आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह हाफिज। हाफि नाजरीन मोहतरम किताब हक़ का नोमा पारा आज हमारे ज़ेर मुताल है इस पारे का पैगाम आज हमने समझना है नोवें पारे का आगाज़ एक ऐसी अखलाकी एतबार से तबाह हाल कौम के बयान से हुआ जिस कौम को उसकी ज़िद्द और हट दर्मी ने बब नबोवत का गुस्ताख बना दिया यहाँ तक कि उन्होंने अपने नबी को शहर बदर तक करने की मनसूबा बंदी कर ली मुसलसल नबी की मुखालफत और मजामत उन्हें अल्लाह ताला के तजाब की तरफ़ ले आई अल्लाह रबुल्ज़त ने उनका रवैया बयान किया नबी के मुकाबले में उनकी गुस्ताखाना हरकत का तस्करा किया और फिर उसके नतीजे में उन्हें जिस अजाब में मुबला किया गया खाल के कायनत ने यहाँ उस अजाब का बयान किया जो हम सब के लिए बायस इबरत है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अल्फाज ये हैं कि जिन्होंने शुआब की तकजीब की थी गोया वो कभी यहाँ रहे ही ना थे काम यग नीहा मतलब उन्हें सफाई हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया हमारे लिए इस वाक़े के बयान में और इस किस्से की इस में सबक यह है कि जो कौम बाबे नबूवत से वस्ता रहती है अल्लाह ताला निजात और कामयाबी फोजो फला उसी कौम को अता करता है कोई तबका इंसानियत जिस वक्त दहलीज नबूवत का गुस्ताख बन जाए या दहलीज नबूवत से दूरी इख्तियार कर ले वो कौम अल्लाह ताला के अजाब से बच नहीं सकती ईमान और तकवा के साथ दहलीज नबूवत के साथ वा रहना इंसान के लिए आसमान और ज़मीन से बरकत के दरवाजे खोल देता है इस बारे में इस हकीकत की तरफ भी बलीग इशारा किया गया पर मैं लफतः ना अलीम बरकत मिनसमा इवल अर्थ कि अगर वो लोग तकवा इख्तियार करते ईमान के साथ तो हम उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देते आसमान से भी और ज़मीन से भी आज का इंसान जब अपने मसायब और मुश्किल में घिरा हुआ है और वो सौबतों में तड़प रहा है उस इंसान के लिए यह सबक है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला बरकतों और रहमतों का रुख तुम्हारी तरफ फेर दे तो उसका वाहिद हल और रास्ता बा नबूवत से तुम्हारी वाबस्तगी हैजरत मूसा और फिराउन के वाके में ही एक अहम पहलू कुरान मजीद ने जो बयान किया वो फिराउनियों की तरफ से हक की आवाज़ को दबाने का एक अहतमाम था शाही दरबार से जो आर्डर जारी हुआ कि कौम बनी इसराइल में जो बच्चे पैदा हों बेटे उन्हें कत्ल कर दिया जाए बेटियों को जिंदा रहने दिया जाए ख्याल ये था कि शायद इस तरह से हम हक की आवाज को दबा सकें चूंकि उन्हें खतरा पैदा हुआ था फिराउन के ख्वाब के नतीजे में कि इस कौम से एक लड़का पैदा होगा जो उससे उसके इकतदार छीनने का जरिया होगा और इकतदार से महरूमी का जरिया होगा लेकिन कुरान मजीद फ्रक़ान हमीद यहां हमें बताता है कि उसके तमाम तारकदाम के बावजूद रब ने जो फैसला कर लिया था वो फैसला हो कर रहा बात समझ में ये आती है कि इंसान हमेशा उसकी आफियत इसमें है कि वह गर्दन रब करीम की बारगाह में झुका रखे उसकी सारी मनसूबा बंदियां फेल हो सकती हैं अल्लाह की तकदीर गालिब आ जाती है इसलिए हमें कुरान मजीद ने अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखने और ईमान मजबूत रखने का शाद फरमाया हजरत मूसा उसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोहे तूर पर तशरीफ लेकर गए यहां एक और नक्शा कुरान मजीद बयान करता है हैजरत मूसा का तूर का और तोरात का फिर हजरत मूसा के साथ हजरत हारून की नियाबत का हजरत मूसा हजरत हारून को अपने नायब और खलीफा की हैसियत से अपनी कौम में छोड़कर चालीस दिनों के लिए तूर पर तशरीफ लेकर के गए जहाँ उन्हें अल्लाह ने तोरात जैसी किताब अता फरमानी थी हज़रत हारून ने हक खिलाफत निभाया लेकिन कौम चूँकि पुराने हटदर्मी के मर्ज में मुबतला थी कौम के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत मदूम हो चुकी थी वो लोग अकलोखिरत की नहमत से महरूम हो चुके थे सामरी ने उन्हें भड़काया बहकाया भटकाया और नतीजा तन वह जो बछड़े का बुत बनाया वह बछड़े के बुत के सामने नासिया फिर फिरसाई करने लग गए झुकने लग गए हजरत मूसा जब वापस तशरीफ लाए आपने कौम को इस हाल में देखा तो उन्होंने हजरत हारून के लिए भी जलाल का इजहार किया कौम को भी डांट डपट की और किताब फरमाया कौम पर उन्हें बुरा भला कहा उन्हें उनकी हकीकत याद दिलाई शिर की मजम्मत की यहां कुरान मजिद फुर्कान हमीद का जो उनवान ठहरा वह है शिर की मजम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी हाल में शिर्क को कभी मुआफ नहीं फरमाता इंतहाई काबिल मजम्मत जुर्मे ये एक बंदा मोमिन जब कलमा पढ़ लेता है लाला अल्लाह तो कलमे के लफ्जों पर ही गौर किया जाए कि इसमें अल्लाह की वादानियत का इस बात बाद में है तमाम तर झूठे खुदाओं और महबूदों की तरदीद और उनसे इनकार पहले है ला अला और फिर उसके बाद है अल्लाह यही हजरत मूसा की इस दावत का एक बुनियादी नुकता भी है आगे चल के अल्लाह रबुल्जत ने कार हाय नबूत का बयान किया और उस मामले में फिर हमारी जिम्मेदारियों का तायुन फरमाया खास तौर पर तस्करा फरमाया नबी आखर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह वसल्लम का और दुनिया के सामने यह हकीकत आशकार फरमाई के रसुल करीम सलातम की आमद कोई अचानक वाकया नहीं था कि जिसके लिए लोगों कि जेन साजी पहले से ना की गई हो और हजूर अचानक जलवा गरी आपकी हो गई हो बल्कि बयान फरमाता है कि हजूर का जिक्र तो रात में भी ये लोग पढ़ा करते थे और इंजील में भी और वह पढ़ते सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा ही ना थे बल्कि रसूल सल्लाम की जो मनसबी जिम्मेदारियां थी वह हजूर जिस तरह हजूर ने निभानी है उनका तस्करा भी पढ़ते हैं और वह क्या थी कि वह नबी वो होगा जो उन्हें नेकी का हुक्म देगा तो उन्हें बुराई से मना करेगा पाक चीज़ें उन पर हलाल करेगा और नापाक चीज़ें उनके लिए हराम फरमाएगा और वो उनसे उनके बोझों को हल्का फरमाएगा मतलब यह है कि आकाम की जो मुश्किल जिनका वो शिकार हैं नबी आखर जमा की जलवा गरी होगी तो अल्लाह आकाम की ये मुश्किलात उनके लिए आसान फरमा देगा फिर उसके साथ हमारी जिम्मेदारी का तयन हुआ कि जब वो नबी तशरीफ ले आए तो तुम्हारा काम है कि उनकी खूब तजीम करो उनकी तोकीर करो और हक की राहों में उनके मुआविन और उनके मददगार बन जाओ आखिर में फरमाया कि जो नबूवत के काम में मुआविन होता है मददगार होता है अल्लाह कामयाबी उसी को आता फरमाता है इसके साथ मुतसिल नबूवत मोहम्मदी की आफाकियत का तस्करा हुआ या योहन्ना सोनी रसूल लोगों में मोहम्मद तमाम आलम इंसानियत के लिए रसूल हूँ गोया रसूल करीम सलाम की तशरीफ़ आवरी पर नबूत और रसालत का सिलसिला मुनकता हो गया ख़त्म हो गया खत्म नबूत का ताज अल्ला ने हजूर के सरे अनवर पर सजा दिया अब क्या तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए आइडियल रहबर और रहनुमा रसूल करीम सलाम ही की हस्ती है बने इसराइल को अता की जाने वाली चंद खास नेमतें, मसलन पत्थर से बारह चश्मों का फूट जाना पानी पाकिजा पानी उन्हें अता होना मनोसलवा का नाजिल होना और बादलों का उन पर साया फिगन होना इन नमतों की याद दिलाई गई साथ बताया गया कि कौम ने ना शुक्री की जिसकी वजह से कौम फजीलतों से महरूम कर दी गई शुक्र गुज़ार लोगों की फ़जीलतों में अल्लाह इजाफा फरमाता है और जो ना शुक्रे होते हैं वो फ़ज़ाइल से महरूम कर दिए जाते हैं यहाँ पे हफ्ते वालों का जिक्र हुआ जाओ हफ्ते वाले दिन उनके लिए शिकार मना कर दिया गया था लेकिन वो लोग उल्टी सीधी तावीलें करते और फिर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करते कुरान यहां हमें समझाता है कि दीन के मामले में झूठी और फासत तावीलें करना ईमान से महरूमी की अलामत होती है इसके साथ ही सूरा का आगाज भी यहाँ हुआ सराह अनफाल में गनीमतों से मुतलक आकाम का बयान हुआ और उसके साथ साथ गजवा बद्र का तस्करा हुआ खालिक कायनत ने खास तौर पर उन दो ग्रोहों की तरफ इशारा किया एक जबू सुफियान की क्यादत में तजारती लश्कर जिसमें पचास हजार पौन मालियत का सामान था और दूसरा वो लश्कर जो अबू जहल की क्यादत में मक्का से मुसलमानों को कुचलने का ख्वाब लेकर आया अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों से रब का वादा था कि अल्लाह इन दो ग्रोहों में से एक पर तुम्हें गलबा अता फरमाएगा और अल्लाह तला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया गोया इशारा इस तरफ किया गया बल्कि सलाहत भी की गई अगर ईमान मुस्तकम रखोगे अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन यकीन कामिल होगा तो तुम तेदाद में थोड़े भी हुए अल्लाह तुम्हारी तइद और मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नजूल फरमाएगा आज जब हम लोग मदद के लिए तड़प रहे, तइद रब्बानी के लिए तरस रहे, हमारे लिए भी लाजिम है कि ईमान मजबूत कर लें यही पैगाम हक़ है और यही नोम पारे का पैगाम अल्लाह हम सबको अमल की तोफ़ी कता फरमाए